नमस्कार साथियों, वेलकम टू पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गुजर लादिया, फार्मासिस्ट। आप सभी का पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एमसीक्यू, जो कि आने वाली हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीके वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी इज, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी के दौरान मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी है आपका फीवर एंड ऑप्शन डी है एनाफाइलेक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओंडासेट्रोन इज इफेक्टिव इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वॉमिटिंग। तो ओंडासेट्रोन आप सभी को पता है एंटी वॉमिटिंग ड्रग है, और ये कौन सी वॉमिटिंग में यूज होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सिसप्लैटिन इंड्यूसिंग, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड, पोस्ट ऑपरेटिव या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सेलेक्ट द प्रोगेटिव दैट शुड नॉट बी टेकन एट बेड टाइम। तो कौन सा प्रोगेटिव है जिसको बेड टाइम पे नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी बिसाकोइडल, ऑप्शन सी सेना या फिर ऑप्शन डी इसबगोल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि मैग्नीशियम सल्फेट को बेड टाइम क्यों नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ड्रग विच इनिबिट साइक्लो ऑक्सीजनेट इरिवर्सिबली। ऑप्शन ए एस्प्रिन, ऑप्शन बी मैफेनिक एसिड, ऑप्शन सी नेप्रोक्सेन एंड ऑप्शन डी डाइक्लोफेनिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट इज कुमारिन डेरिवेटिव। तो कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि कुमारिन डेरिवेटिव है। ऑप्शन ए हेपारिन, ऑप्शन बी फेनिंडायोन, ऑप्शन सी लेपिरुडीन एंड ऑप्शन डी वारफेरिन सोडियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वारफेरिन सोडियम। नमस्कार साथियों, तो पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है 1954, ऑप्शन बी इज 1966, ऑप्शन सी इज 1955 एंड ऑप्शन डी इज 2018। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट। तो नियोमाइसिन को किस रूट के थ्रू हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आईवी रूट के थ्रू, ऑप्शन बी इज ऑरल एंड ऑप्शन सी इज सबक्यूटेनियस एंड ऑप्शन डी इज टॉपिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप पोज करके बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी टॉपिकल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, प्लांट एल्कलॉइड यूज्ड एज ए एंटी कैंसर। तो एंटी कैंसर के तौर पर, एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर कौन सा प्लांट एल्कलॉइड हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए टैक्सिन, ऑप्शन बी इटोपोसाइड एंड ऑप्शन सी इज विनक्रेस्टिन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनक्रेस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, वान वार्क टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो वान वार्क टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इफेड्रा, ऑप्शन बी स्ट्रेचिंग, ऑप्शन सी इरिगेट एंड ऑप्शन डी रूबार्ब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इरिगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव बीटा टू स्टिमुलेंट। इन ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि कौन सा सेलेक्टिव बीटा टू स्टिमुलेंट है। ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन बी साल्बुटामोल, ऑप्शन सी प्रोपेनोलोल एंड ऑप्शन डी बेथा स्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल्बुटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट दैट आर प्लेस अंडर द स्किन आर। तो स्किन के अंदर जो टैबलेट प्लेस की जाती है उसे हम किस तरीके की टैबलेट कहते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक कोटेड टैबलेट, ऑप्शन बी इम्प्लांट्स, ऑप्शन सी फिल्म कोटेड टैबलेट एंड ऑप्शन डी सबलिंगुअल। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट्स में आप अपना आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इम्प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड एनडीए स्टैंड्स फॉर। तो एनडीए की फुल फॉर्म क्या है यहां पे वो आपको यहां पे बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ऑप्शन बी न्यू ड्रग अप्रूवल, ऑप्शन सी न्यू डिस्कवरी अप्लाई एंड ऑप्शन डी न्यू ड्रग एजेंसी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए न्यू ड्रग एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ए टैबलेट। तो इसमें से टैबलेट का टाइप नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए टॉर्चेज एंड लॉन्चेज, ऑप्शन बी पेसेसरीज, ऑप्शन सी इफरवेसेंट टैबलेट एंड ऑप्शन डी टैबलेट ट्राइचुरेट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेसेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर टाइप एज लैटिन एक्स एबिट्स एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एट पी एच। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फोर, ऑप्शन सी नाइन एंड ऑप्शन डी 11। तो जिलेटिन ए टाइप का जो होता है उसकी पीएच कितने क्या होती है वो आपको बताना है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीएच 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेप ऑफ सुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट इज एडेड। तो सुगर कोटिंग प्रोसेस में कलरेंट कौन से स्टेज के अंदर या कौन से स्टेप के अंदर ऐड किया जाता है। ऑप्शन ए सीलिंग, ऑप्शन बी सिरपिंग, ऑप्शन सी सब कोटिंग एंड ऑप्शन डी पॉलिशिंग। तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरपिंग। तो ये थे हमारी शॉर्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरह के फॉर्मेट एमसीक्यू के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राम राम साहब।